ये सर्कल बड़ी वाली सिटी का जैसे सर्कल रहता है वैसे यहाँ पे सर्कल दिखाई देता है भाई। प्राथमिक आरोग्य केंद्र ढोकी तो अच्छा है भाई, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नजारा। यहाँ पे लिखा है ग्राम पंचायत कार्यालय कस्बे ढोकी, यहाँ पे लिखा है डाकघर ढोकी, ये यहाँ पे तेरना शेतकरी सहकारी साखर कारखाना ऐसे दिखाई देता है भाई। हेलो गाइज, मायसेल्फ राज थांबोळी एंड वेलकम टू माय चैनल हॉक ट्रैवलर। आज अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट का ढोकी, ये विलेज एरिया। एक्चुअली विलेज एरिया है बट उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारा फेमस एरिया है भाई ये, और इसका तालुका प्लेस भी उस्मानाबाद में ही आता है। उस्मानाबाद जिला व तालुका सेम ही है भाई ये वाले एरिया का। तो अभी अपन आ चुके हैं ढोकी गाँव में, और यहाँ पे ये वाला जो अभी सर्कल है ये मेन सर्कल है जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये वाले सर्कल का नज़ारा। और ये वाले सर्कल को कहा जाता है पेट्रोल पंप चौक, तो ऐसे ही सर्कल का नाम है यहाँ पे। मैंने लोकल से पूछा तो ये सर्कल बताया, और सर्कल का सीन कुछ इस तरीके से है भाई। इस साइड में शॉप वॉप कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, होटल्स वगैरह। ये वाली सड़क जाती है बारिशी की ओर, और ये बैक वाली सड़क जाती है कड़म की ओर, और ये जाती है लातूर की ओर। ऐसे यहाँ का सीन है भाई पूरा, और ये इस साइड हम लोग जा सकते हैं तेर की ओर। तो ये सर्कल का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, और साइड में मार्केट एरिया कुछ ऐसे दिखाई देता है। अच्छा सा सर्कल है यार, अच्छा खासा हेल्दी सा सर्कल है, काफ़ी रश रहती है ये वाले सर्कल में। ये देख सकते हो इस साइड में भी ऐसे होटल्स है, ये ऐसा सीन है सब कुछ यहाँ का। अच्छी खासी हेल्दी मार्केट लगी यार, और बेसिकली ये वाला जो सर्कल है ये सर्कल काफ़ी हेल्दी लगा मुझको। मतलब बड़ी वाली सिटी का जैसे सर्कल रहता है वैसे यहाँ पे सर्कल दिखाई देता है। और दूर वहाँ पे इसी रूट पे शुगर फैक्ट्री है, तेरना शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, ढोकी तेरना नगर, तालुका व जिला उस्मानाबाद यहाँ से। और यही सड़क आगे जाती है तेर की ओर। तो ऐसा सीन है यहाँ का ये वाले सर्कल का। तो चलते हैं अभी अंदर, विलेज एरिया और मार्केट एरिया भी देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की ओर हमको जाना पड़ेगा यार, तो ऑटो करके चलते हैं मार्केट एरिया, और यहाँ के सब सीन क्या है ये विलेज एरिया का देखते हैं। तो ये वाली ऑटो है, चलते इसके अंदर बैठते हैं भाई। तो बैठ चुके हैं भाई ऑटो के अंदर, और ये कुछ सीन ऐसे यहाँ का काफ़ी बेस्ट दिखाई देता है यार। बेसिकली ये वाला सर्कल काफ़ी बड़ा सा लगा, और इस साइड में मार्केट एरिया ऐसे दिखाई देती है पूरी। भैया अभी अपन आ चुके हैं ढोकी गांव का प्राथमिक आरोग्य केंद्र, यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि यहाँ पे ऐसे बोर्ड दिखाई देता है, जिला परिषद प्राथमिक आरोग्य केंद्र ढोकी, तालुका व जिला उस्मानाबाद। यही सड़क जो बारिशी की ओर सड़क जाती है वो वाले सर्कल से, उसी सड़क पे ये वाला अस्पताल यहाँ पे दिखाई देता है, गवर्नमेंट अस्पताल। ये आरोग्यवर्धनी केंद्र ढोकी ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे सीन है भाई यहाँ के, और विलेज एरिया का भाई अस्पताल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो इस साइड में ऐसी बिल्डिंग है इसकी, तो अच्छा है भाई ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नज़ारा, काफ़ी क्लीन एंड नीट है, अच्छा लगा यहाँ पे। भैया अभी अपन आ चुके हैं ये वाली मेन सड़क से आगे की ओर, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इस वाले विलेज की ग्राम पंचायत दिखाई देती है।
जो कि बारिशी रोड पे जैसे हम लोग जाते हैं उसी सड़क पे है, मतलब वो वाला जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, वो गवर्नमेंट अस्पताल अपन ने जो देखा था उसी रूट पे हमको यहाँ पे ये वाला सीन दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है ग्राम पंचायत कार्यालय कस्बे ढोकी, मतलब ढोकी का ही ये कार्यालय है। और यहाँ का एरिया कुछ ऐसे दिखाई देता है भाई इस साइड में, तो ऐसी यहाँ की ग्राम पंचायत का नजारा यहाँ का कुछ ऐसे दिखाई देता है। वो वाले ग्राम पंचायत कार्यालय से ये वाली विलेज एरिया के अंदर जा रहे हैं तो नजारा कुछ ऐसे यहाँ पे खेत वेत का ऐसा दिखाई देता है। इस साइड में भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ऐसे यहाँ का सीन है। ये टेम्पल है ये वाला, यहाँ पे यहाँ तक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और यहाँ से भाई खेत वेत का नजारा दिखाई दे रहा है। और ये सिटी के एक विलेज एरिया के अंदर ऐसे सड़क जाती है भाई, ये वाली अंदरूनी सड़क ऐसे जाती है, यहाँ का सीन ऐसे दिखाई देता है। भैया अभी अपन आ चुके हैं ये वाले विलेज एरिया के इंटरनल साइड में, जो कि यहाँ का एरिया ऐसे दिखाई देता है यार। ये पूरा अंदर घर वर है सब कुछ, बैक साइड में भी देख सकते हो। और इस वाले साइड में हमको पोस्ट ऑफिस दिखाई देता है ढोकी का, ये ऐसे सीन है भाई यहाँ का। यहाँ पे लिखा है डाकघर ढोकी, यहाँ का पोस्ट ऑफिस का सीन। अंदर आने के बाद, काफ़ी अंदर आने के बाद ये दिखाई देता है यार, तो प्यारा सा यार विलेज का अंदर का नज़ारा भी बेस्ट लगा और ये पोस्ट ऑफिस का नज़ारा। वापस से हम लोग वो वाली मेन सड़क की ओर जा रहे हैं ग्राम पंचायत के आगे। और वापस से ये वाला ग्राम पंचायत कार्यालय यहाँ पे आया है, ये ऐसे दिखाई देता है भाई सब कुछ यहाँ पे। ये वाली सड़क जाती है बारिशी की ओर। भैया अभी अपन जा रहे हैं यहाँ से शुगर फैक्ट्री की ओर, जो कि तेर रोड पे आती है। और आगे यहाँ से हमको शुगर फैक्ट्री दिखाई दे रही है वो वाली। बेसिकली 10 साल से ये वाली शुगर फैक्ट्री बंद थी, बट अभी शुरू होने जा रही है भाई। वैसे यहाँ का जो सीन था ढोकी गांव का, काफ़ी बड़ा सा है यार, मतलब विलेज एरिया रहकर भी काफ़ी अच्छी सी मार्केट दिखाई दी। यहाँ का एरिया काफ़ी कूल सा अच्छा लगा। और वो वाला स्पेशली जो पेट्रोल पम्प सर्कल जिसे कहा जाता है, वो तो काफ़ी बड़ा सा सर्कल लगा यार। मतलब ऐसे लगा नहीं कि हम लोग वो वाले छोटे से विलेज में हैं,
बट एरिया काफ़ी सारा बड़ा और स्पेशियस सा है, अच्छा लगता है वहाँ पे। वहाँ से बेसिकली कड़म, लातूर, बार्शी और ईस्ट साइड उस्मानाबाद, ऐसे सड़कें जाती है यार। तो काफ़ी बड़े बड़े सिटीज़ अटैच होती है ये वाले गांव की ओर से। और अभी अपन आ चुके हैं ये वाले शुगर फैक्ट्री की ओर। ये यहाँ पे तेरना शेतकरी सहकारी साखर कारखाना ऐसे दिखाई देता है भाई। तो ऐसे यहाँ का सीन है भाई ये शुगर फैक्ट्री का। तो अच्छा लगा यार ये वाली फैक्ट्री देखकर। और यहाँ से आगे एक डैम है तेरना नदी पे बांधा हुआ। यहाँ से तेरना नदी एक जाती है, वो नदी पे डैम बांधा हुआ है जो कि यहाँ से अप्रॉक्स 5 to 10 kilometers पे है। वहाँ पे तेर करके एक गाँव है, उस साइड में वो डैम का पूरा एरिया और बैक वाटर उसका इस साइड में आता है डोकी एरिया। तो ऐसे यहाँ का सब कुछ ओवरऑल व्यू है भाई, अच्छा लगा यहाँ का, मस्त लगा। भैया ये वाला पूरा विलेज का एरिया काफी अच्छा लगा यार, मस्त लगा यहाँ पे आके। तो ये सीन सब कुछ देखने के बाद भाई आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। तो हे गाइस, इट्स टाइम टू नाउ साइन आउट। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।